हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 प्लस का नारा लेकर चलती हुई नजर आ रही है और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने के लिए भी लगातार मंथन देखने को मिलता नजर आया। गुरुग्राम में सर बैठक हुई, किस तरह का रोड मैप जो है सर तैयार होता हुआ नजर आया? हमारा रोड मैप बिल्कुल एकदम तैयार है, चुनाव घोषित हो गए, कैंडिडेट घोषित हो गए, अब नीचे तक हम लोग हर व्यक्ति तक कैसे मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को जाके नीचे बता के आए, समझा के आए और जिन योजनाओं का लोगों को लाभ मिला है उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और चुनाव जीतने के लिए और कमल खिलाने के लिए लोगों को अपील करेंगे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। हमारा बिल्कुल एकदम सब चीज़ें पूरी तरह से तैयार है। सर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें मैदान में देखने को मिलती है नजर आ रही, दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें एक भी सीट जो है अब तक जो है कांग्रेस की तरफ से फाइनलाइज नहीं की गई, क्या जो है आप कारण समझते हैं नजर? उनके लोग भाग रहे हैं, कांग्रेस के लोग थोड़ा उनको मनाने में लगे हुए हैं कि भाई नाक बच जाएगी, कैंडिडेट तो खड़े करने ही हैं, उनके लोग मान नहीं रहे हैं। सुनने में आया कि दीपेंद्र जी को मना रहे हैं, शैलजा जी को मना रहे हैं, हो सकता है मान जाएं जल्दी, हो सकता है कैंडिडेट उनको मिल जाए, हो जाएंगे कैंडिडेट तो उनके भी मुझे लगता है। लेकिन सर जब कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि चुनाव अभी दूर है और कोई बड़ा नेता जो है चुनाव लड़ने से मना जो है नहीं कर रहा है। तो हमने कब कहा कि कोई मना कर रहा है, ये तो अखबार बता रहे हैं, टीवी चैनल बोल रहे हैं कि भाई इनके सब नेता कह रहे हैं कि भाई तू लड़ ले चुनाव, मैं तो नहीं लड़ता। जिसको भी कहे वो यही बोल रहा है भाई तू लड़ ले मैं नहीं लड़ता। तो वही तो बताया मैंने, वो मनाने लगे हुए हैं अपने नेताओं को, हो सकता है कोई 5-7 लोग उनके मान जाएं और चुनाव लड़ ले। सर इसके अलावा हमने देखा कि जननायक जनता पार्टी ने भी अपनी बैठक की, उन्होंने भी कहा कि हम जो अपने प्रत्याशी है वो मैदान में जो है उतारते हुए नजर आएंगे, कितनी जो है आप समझने हैं कि इसके पीछे जो है सफलता मिलती हुई नजर आएगी या फिर किस तरह की रणनीति आप समझ? देखिए JJP भी एक राजनीतिक दल है, वो अपने कैंडिडेट उतारेगा ही, उतारने भी चाहिए। राजनीति में चुनाव के जरिए ही आदमी अपने आप को स्थापित करते हैं, पार्टियां स्थापित होती हैं, तो वो भी अपने आप को स्थापित करने के लिए स्वाभाविक बात है अपने 10 के 10 कैंडिडेट उतारने के लिए बोल रहे हैं, तो उतारेंगे, उनका मैटर है। सर इसके अलावा एक अंतिम प्रश्न सर, अब चूंकि चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो आचार संहिता वो लगी हुई है लेकिन जो पोर्टफोलियो वो कहीं ना कहीं विस्तार हो गया है, किस तरीके का रोड मैप जो है वो आगे आने वाले समय में मंत्रालय का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है? हम लोगों ने अभी एक दो मीटिंग की है, उसमें अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और उनसे चर्चा भी की है कि भाई हम लोग कैसे किसानों का उत्थान करें, कोऑपरेटिव के जरिए किस तरह का रोड मैप बन सकता है कि हम लोग किसान को समृद्ध खुशहाल बना सकें, कोऑपरेटिव के जरिए हम लोग कैसे इस प्रदेश के लोगों को और विशेष तौर पे किसानों को, क्योंकि आज हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश में जो जोत है वो छोटी हो गई है, भूमि कम हो गई है, हमारे परिवार बढ़ गए हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ 4 5 एकड़ तक का किसान बचा है। अब वो किसान अगर मोटी खेती करेगा, धान गेहूँ इस तरह की कोई मोटी खेती करेगा, तो उसमें चाहे आप कितने दाम दे लो किसान का पूरा थोड़ी नहीं पटेगा, देखिए उसको नकदी फसलों की तरफ जाना पड़ेगा और नकदी फसलों पे जाने के लिए उसको बाजार चाहिए। हम लोग कोऑपरेटिव के जरिए उनको बाजार भी देंगे और नकदी फसलों के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे और जब किसान के पास बाजार भी हो और खुद का उत्पादन भी हो और सरकार साथ हो तो किसान समृद्ध हर हालत में होगा। हम ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के साथ समृद्धि और खुशहाली उनके घर तक आए, इस पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है। देखिए ये कोई एक दिन में, 2 दिन में 10 दिन में साल में हो जाएगा ऐसा नहीं है, पहले कुछ जगह हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करने का विचार करेंगे
और अगर वो मॉडल हमारा सक्सेस होता है तो फिर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विपक्ष एकजुट देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, आज भी प्रदर्शन है और कल यानी 31 तारीख की हम बात करते हैं तो एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में जो है कॉल की गई है। चोर चोर मुसहरे भाई इकट्ठे तो होंगे ही, सब ने घपले किए हैं, सब ने चोरी की है, सबके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। जब इनका राज होता था तब इन्होंने दुरुपयोग करते थे सीबीआई का, ईडी का, उनके हाथ बांध कर रखते थे। हमने उनको बिल्कुल स्वतंत्र किया हुआ है, हमने कहा भी चोर को बख्शना नहीं है चाहे कोई भी हो, अब उनके हाथ खुले हैं, एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और होनी भी चाहिए, अब वो स्वतंत्र हैं, अब जो जो चोर हैं उन तक वो पहुँच रहे हैं, जब पहुँच रहे तो बिना बात बीजेपी को कह रहे हैं कि भाई ये तो दुर्भावना के लिए काम करे, भाई हमारा क्या दोष है, हमने तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए नहीं। 2014 से पहले भी इन लोगों ने इस देश में इतनी लूट मचाई थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और हम लोग उस लूट के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, संघर्ष किया था हमने, और हमारे विरोध करने के बावजूद इन्हीं की सरकार ने इन्हीं के नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए थे, सीबीआई को ईडी को दिए थे हमारे दबाव में। अब इन्होंने क्या किया, वो मुकदमे उनको दे तो दिए मगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होने दी, रोक दिया, हाथ बांध दिए उन लोगों के। इनको थोड़ी पता था कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी, अब वो हमारी गवर्नमेंट आ गई, जब गवर्नमेंट आई तो हमने इनको छेड़ा नहीं था, ये तो टीवी चैनल पर बैठ के आम सभाओं में खड़े होकर एक बोलते थे कि बिला हमको चोर बताया, चोर बताया, अगर हम चोर थे तो हमारी इंक्वायरी क्यों नहीं कराई, इंक्वायरी कराओ। हम बोले भाई किससे करवाएं, कह सीबीआई से करा दो, सीबीआई से करा दी, बोले जी ईडी से कराओ, ईडी से करवा दी। जब हमने इंक्वायरी करा दी वो दोषी थे ही, फंस गए, अब करेंगे जी दुर्भावना के लिए काम कर रहे हैं, इनका कोई स्टैंड थोड़ी नहीं है। तो ये हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री महिपाल ढांडा जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।